हेलो बच्चों लेट्स रीड क्वेश्चन एंड द द क्वेश्चन सेड बास्केट इन हनी बी ऑन आर गिवन तो क्वेश्चन में बोला गया है कि जो पॉल बास्केट है वो हनी भूमि कहाँ ऑकर्स करते हैं सो बेसिकली अगर हम बात करेंगे इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में तो इसका जो की कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा सो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा पॉल बास्केट तो पॉलिन बास्केट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस हमें क्या मिलती है कि अगर हम बात करते हैं पोलिन बास्केट तो इसका हम एक और भी नाम है दैट इज दॉर्बिकूला तो कॉर्बिकुला जो है दैट इज़ अ पॉलिश कैविटी वी कैन से ये क्या है एक तरह का कैविटी है जो कि पूरी तरह से क्या है पॉलिश है पूरी तरह से क्या है पॉलिश कैविटी है दैट इज सराउंडेड बाय दी फ्रिंज ऑफ हेयर्स दैट इज सराउंडेड बाय दी फ्रिंज ऑफ दैट इज सराउंडेड बाय दी फ्रिंज ऑफ हेयर्स ऑन आउटसाइड द टीबिया आउट साइड आउट साइड द टीबिया और आउट साइड द टीबिया के बारे में अगर हम बात करते हैं सो दिस इज ऑन दर्ड इन दी कैन से ऑन दी हैंड लेग ऑफ द बीज सो अगर बात करेंगे ये स्ट्रक्चर जो है डेट इज यूज बाई द बीज टू कलेक्ट द पॉलेन टू कलेक्ट द पॉलन एंड हार्वेस्ट इट और ये क्या करते हैं हार्वेस्ट करते हैं तब तक जब तक कि ये रिटर्न हाइव ना हो जाए टिल देन वेन इट इज नॉट रिटर्न टू हाइव सो यहां पर अगर बात करेंगे तो जो इनका लेग है डेट आर हैविंग दॉलिन ब्रस मिडअप ऑफ द ब्रांच वी कैन से हेयर ऑफ दसोमियर्स इनको क्या बोलते हैं तार्सो तारसो मियर्स और जो मेटाथोरेसिक लेग है जब हम बात करते हैं इनके मेटाथोरेसिक लेग के बारे में सो so जो मेटाथोरेसिक लेक्स है दे आर हैविंग द पॉलन प्लेस इनके पास क्या है दे आर हैविंग प्रेस लोकेटेड बिटवीन बिट्वीन दिबिया एंड टार्सोमियर सो द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन दैट इज द ऑप्शन बी सो ऑप्शन बी दैट इज द करेक्ट आंसर होप दिस दिस वी वी कैन कैन से से दिसन द आंसर नीड एंड होप यू अंडरस्टूड इट वेल बेस्ट ऑफ लक